प्रयागराज के एक दरोगा की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। नवाबगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक अतुल सिंह का शव उनके आवास के बाथरूम में पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके में पहुंचकर जांच कर रही है। कुछ ही देर बाद पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी यह रहस्य बना हुआ है कि दरोगा की मौत कैसे हुई। मैं आज प्रातः थाना प्रभारी नवाबगंज राकेश राय, उनके मोबाइल पर फोन आया था संतोष कुमार सिंह का, कि एसआई अतुल कुमार सिंह जो थाना नवाबगंज के तैनात, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी नवाबगंज महफूज वहाँ उनके जहाँ रहते थे वहाँ पहुँचे, तो देखा कि एसआई अतुल कुमार सिंह जो कि 2016 बैच के एसआई हैं थाना नवाबगंज के तैनात, इनकी पत्नी और इनकी माँ बच्चे प्यार लखनऊ में रहते हैं, ये इनका मृत शरीर इनके किराए के कमरे के निकट स्थित बाथरूम में पड़ा हुआ है। ये फर्श पर पड़े हुए हैं, अंडरवियर केवल पहने हुए हैं और बगल में बाल्टी भरी हुई रखी है, मग रखा हुआ है, चप्पल बाथरूम के बाहर, बाथरूम पूरी तरह से खुला हुआ है और वहीं पर मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हालत में पड़ा हुआ है। बाकी अन्य कोई संदिग्ध चीज़ें आसपास नहीं मिली हैं। इनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, कोई भी ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं पाया गया है। इस तरह की स्थिति में इनकी बॉडी मिली है, तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, फील्ड यूनिट जांच कर रही है, परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो भी स्थिति है परिजन भी आ रहे हैं। इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि मृत्यु का सही कारण पता चल सके, उसके लिए डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता रहे हैं थाने पर कि अच्छे भले व्यक्ति थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक ये जो भी घटना हुई है किस कारण से हुई, किन परिस्थितियों में हुई है, उसकी पड़ताल के लिए पैनल पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल उनके परिजनों को बुलाया गया है, वो आ रहे हैं, फील्ड यूनिट जांच कर रही है, अन्य कोई समस्या नहीं है, जो भी चीज़ निकल के आएगी वो आपको अवगत कराया जाएगा। चंदौली जिले के रहने वाले अतुल सिंह पुलिस विभाग में दारोगा थे। इन दिनों उनकी तैनाती प्रयागराज के गंगापा इलाके में नवाबगंज थाने में बतौर उप निरीक्षक तैनाती थी। प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर स्थित नवाबगंज चौराहे पर अतुल सिंह किराए के मकान पर रहते थे। जिस मकान में वे रहते थे वो रिटायर्ड रेल चालक राधेश्याम यादव का है। शनिवार की सुबह दारोगा अतुल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मकान के वॉशरूम में उनका शव मिला। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। दारोगा की मौत की जानकारी होने पर लोग अवाक रह गए। कुछ ही देर में नवाबगंज थाने की पुलिस पहुंची। जांच पड़ताल पुलिस ने किया। कुछ ही देर बाद एसएसपी अजय कुमार, एसपी गंगापा, सीओ सोराव के साथ अन्य थाने की भी पुलिस पहुंची। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और डार्क स्क्वायर भी पहुंच गया। जहां दारोगा की लाश मिली उस स्थान को लगभग सील कर दिया गया है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है।